जैसे कि अभी मैं थोड़ा सा बारिश तेज हो रही है तो कुछ याद आ रहा था मुझे अपने बचपन का। मैं सोची कि ला सबके साथ शेयर करते हैं। ऐसे जो रिश्ते नाते होते हैं इनमें बस लोगों को हक जताना आता है, रिश्ता निभाना नहीं किसी को आता है। सब सोचते हैं कि अरे ये तो मेरा हक है। अरे हक तो तभी आएगा ना जब हम कर्तव्य करेंगे। जब हम कर्तव्य करेंगे तो अधिकार हमें खुद ब खुद मिल जाएगा। वैसे यार मैं अगर अपनी फादर लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो गॉड फादर लाइफ मेरी बहुत ट्रेजेडी वाली गुजरी है, बहुत ट्रेजेडी वाली। हम आप लोगों से पूछना चाहेंगे कि आप लोग हमें बताएं कि आप लोगों की कैसे चिल गुजरी है कि मेरी तरह ट्रेजेडी वाली। फादर के ज़माने में यार इतने बाउंड, इतने इतनी मतलब रोंक टोंक, इतना ज़्यादा गॉड में कैसे गुजरता था वो टाइम। इधर ना जाओ, उधर ना जाओ, इनसे बातें ना करो, उनसे बातें ना करो। हम तीन भाई बहन हुआ करते थे, मैं सबसे छोटी थी, मेरे तीनों भाई मुझसे बड़े थे। लेकिन जब फादर आ जाते थे तो उस समय ऐसा लगता था खामोशी छा गई। आज भी मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं पापा के सामने बैठ जाऊँ या उनसे बातें कर लूँ। मुझे पता है कि मेरा वीडियो मेरे पापा तक पहुँचेगा लेकिन खुशी होगी कि पापा को पता तो चले कि वो वाली लाइफ आपने कितनी सख्त हमारे ऊपर गुजारी थी बहुत। लेकिन हाँ ठीक है, उस टाइम के लिए वो ठीक भी था लेकिन कहीं तक गलत भी था। अगर पापा ने मुझे सपोर्ट किया होता, इतनी बंदिशें ना लगाई होती, मुझे पढ़ाने में आगे बढ़ने में मेरी सपोर्ट की होती तो मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं 100% अपने पापा को अच्छा रिजल्ट देती। आज पापा को शिकायत होती है कि हमसे बात नहीं करती। अरे पापा आपने मुझे तो इतना डरा के रखा था कि मैं बोल भी नहीं सकती थी तो मैं कैसे बात करूँ। ऐसे इतना ज़्यादा डरा के अपने बच्चों से हमेशा अपने पापा से कहूँगी और जो मेरे पापा के जैसे स्वभाव वाले हैं उनसे भी कहूँगी कि बच्चों को डरा के नहीं रखना चाहिए, बच्चों से को हमेशा अपने एक दोस्त की तरह रखना चाहिए। हाँ जब वो छोटे हैं तब तक आप उन्हें अपने नियम कानून सिखाओ, उसके बाद जब बच्चे बड़े हो जाएँ तो उनको उनके साथ हमेशा फ्रेंड जैसा व्यवहार करना चाहिए। तभी वो अपनी बातें आपसे बताएंगे वो क्या करना चाहते हैं। हमेशा बच्चों की लाइफ में उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है पापा जैसे भी हैं वैसे हैं, हैं तो पापा मेरे। और हाँ मम्मी, मम्मी को तो ऐसा लगता था ना कि मार खाना उनकी ड्यूटी है। ऐसा कोई दिन नहीं होता था, मैंने तो कभी अपने मम्मी पापा को प्यार मोहब्बत करते हुए देखा ही नहीं, कभी प्यार से एक साथ बैठते हुए देखा ही नहीं। ओ गॉड मैं तो ऐसी लाइफ कभी नहीं जी पाऊँगी। और हाँ अगर कभी हमने माँ मम्मी की तरफ से पापा को कुछ बोल भी दिया होगा तो भी मम्मी लड़ने को तैयार हो जाती थी, मारने को तैयार हो जाती, तुमने कहा कैसे। ठीक है यार वो जिल्लत सहने की उनकी आदत थी, वो जिल्लत भरी ज़िंदगी जीना चाहती, लेकिन अपन से तो ऐसी ज़िंदगी कभी नहीं जी जाएगी, कभी भी नहीं। माँ तो फिलहाल नहीं रही मेरी लेकिन याद आता है मम्मी की वो लाइफ। ओ गॉड उनके साथ साथ अपनी ट्रेजेडी फुल लाइफ, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ओ गॉड मेरे फादर, मैं फादर के पास बहुत कम जाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है, आज भी उनसे बहुत डर लगता है। तो यार फादर ही ना, वो ट्रेजेडी फुल लाइफ जो उन्होंने मुझे दी है वो याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पापा जी अगर आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो प्लीज़ मुझे गलत मत समझिएगा, मैं बहुत आज भी मैं आपको उतनी रिस्पेक्ट देती हूँ, उतनी इज्जत करती हूँ। लेकिन हाँ आपने जैसा माहौल बनाकर मुझे डरा कर रखा था तो मैं डरती हूँ।